के चेयरमैन रजनीश कुमार जयपुर दौरे पर रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान एसबीआई चेयरमैन ने किसानों को कर्ज को नए सिरे से देखने और तात्कालिक कारणों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने देश के विकास में एमएसएमई के अहम योगदान की भी बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी के एक दिवसीय दौरे पर आए एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने देश में अर्थव्यवस्था के हालातों और बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाओं पर मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बनी हुई है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिस्टम में बदलाव पर जोर दिया। इस अवसर पर जयपुर मंडल के सीजेएम रविंद्र पांडे भी मौजूद रहे। जो फार्मर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम आज हैं और उसके अलावा अपनी कोई एक टेक्नोलॉजी मीट भी है आईबीएम के साथ, तो इसी विषय में मेरा यहाँ पे आना हुआ है। एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने योनो कृषि ऐप के लाभार्थियों को चेक सौंपे। भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग प्रोत्साहन योजना के तहत योनो कृषि ऐप से किसानों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को इससे जोड़ने के लिए योनो बिजनेस ऐप भी लाया जाएगा। किसानों के लिए भी जो हमारा ये योनो ऐप है, इसमें योनो कृषि उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सुविधा दे दिया है पांच भाषाओं में अभी उपलब्ध है और कुछ अन्य और राज्य की भाषाओं में भी इसको और हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एसबीआई चेयरमैन ने जयपुर दौरे पर बैंक की विभिन्न योजनाओं, कार्यों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीडिंग बैंक के तौर पर एसबीआई अधिकारियों को अपनी सेवाओं में सतत सुधार और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए। अंकित तिवाड़ी, जी मीडिया, जयपुर।